अब जैसे आप क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा सब ट्रेन चित्र पढ़ चुके हैं ट्रेन चित्र में मोशन एंड इट्स टाइप्स उन में ऐसा हरकत के बारे में जिनके कानून हैं जिनके गलत हुए हैं सब पढ़ चुका हूँ उन सब को ऐसा के आए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का पहली ऐसा पढ़े आए हो वेलोसिटी वेलोसिटी में पढ़ाए हो ऐसा के इंडिया एवरेज वेलोसिटी जिसका एवरेज वेलोसिटी इंडिया उनके वी ए बी से शो करो वी ए बी बराबर दिया वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू एकड़ो तो इको टर्म फर्स्ट फॉर्म पर जो गा उन का कोए आसान है तो यो पढ़ो से सा वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो रफ्तार रफ्तार हो चले कह देते हैं रफ्तार में जितरो का हटा पिला के का उनका रफ्तार बताओ यानी v इज इक्वल टू s ऑफ t यानी वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी जो है v कैपिटल से शो करना और डिस्प्लेसमेंट s अपॉन t जेकर ऐसा यो फॉर्म आ है तो उस फॉर्म में कह दे जेकर ऐसा s जो वैल्यू पूछू तो s के बराबर थी s इज इक्वल टू द v इंटू t असा है इक्वेशन के कहना सी इक्वेशन बी हाय एक हल करना दुनिया के तौर पर करो चाहे ऐसा कि असा ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन साबित कर लिया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है छा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ए इक्वल टू द वी आई टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर ये असा ने साबित कर लिया हाँ छात्रा सी या s is equal to v into t या s is equal to v into t या मैं छात्रा सी इक्वेशन a पुट करा सी छो छो जो हमने लिखे थे v या v छा है ना ही तो v आया ना v a पर जब v आया हो जाए तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाए जब v a हो जाए तो फाइनल वेलोसिटी पर इतने सिंपल लिखा हो v का मतलब छा है एवरेज वेलोसिटी सो असल छात्रा सी इक्वेशन b में इक्वेशन है a जो वैल्यू की प्रकाशी रचना सी नाउ नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए इन इक्वेशन बी इक्वेशन ए जो वैल्यू इन इक्वेशन बी में पुट कयो किथे असा वेलोसिटी के जगह रखना सी थींदो छा थींदो ईअं जेके वैल्यू आहिनि तव्हांखे टर्म्स उहे साॻिया हूंदा असां एस लिखियल आहे असां एस इज इक्वल टू द वी वी छा जे बराबरि आहे वी बराबरि आहे वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू त असां वीअ जी जॻहि रखंदासीं वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू इंटू टी आहे असां इंटू टी साॻियो रखंदासीं ठीकु आहे हाँ चाहिए असल हाँ इसका खबर था अब ते हर कर रहा चाहिए मासी ने सो हिंदे जगह के तो वाले मिला भी ए जनरल तमाम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ी चुका है वो और सच दे दे वी ए इक्वल टू द वी आई प्लस ए वी ए जिसको बुधवार बराबर बुधवार वी आई प्लस ए टी सो हाँ कौन ये लड़की होते हैं इक्वेशन के इक्वेशन नंबर ताके को था सी तो छात्र नाजी असा एक नाजी लिख नाजी अकारी द द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू द वी आर प्लस ए ठीक है युकारी के अनुसार जो वैल्यू इक्वेशन सी में भी एक जगह दे पुट करो लिखना सी पुट इन इक्वेशन सी तो इक्वेशन सी में ना आसान जहाँ जगह दे वी एफ आए यानी आसान आए एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू इनटू टी तो आसान आए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी तो वी एफ जगह दे सा वी आई प्लस ए टी लिखना चाहते हो s is equal to the vi plus
vf तो vf जो छा के बराबर है vf बराबर है vi plus ab अपॉन 2 अपॉन 2 into t अबते चाहिए अबते सो तो हां ये vi plus vi यानी सेकंड नंबर बेस साइन छाटना से समझना सी a is equal to 2 vi plus ab अपॉन 2 फिलहाल ये क्यों फिर ब्रैकेट मंत्रे की बात है दसवां चाहो जो a से नीचे तो टू बी आए प्लस a की अपार टू हाँ ये ना ध्यान क्या रहा इन ना की हर क्या ना यार मुक्त नहीं क्या एक रोज सिंपल आज की एक है मल्टीप्लाई के ब्रैकेट्स ब्योर तेरे को यह रहा है ऐसा कि टू बी आए अपार प्लस a की अपार टू आ ऐसा है कि ये कर सकते हैं a is equal to 2 vi upon 2 plus ab upon 2 into t the hard chapter 2 with divide kare multiply kare to khatam thi baaki sara chapter bache asa aur jo a is equal to the vi plus ab upon 2 into t अंते अंतरण सांगासी ब्रैकेट का चलते हो ब्रैकेट का अंतरण ना चाहे नॉन लाजमी तो टी जी कॉइन मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट सा ये उसे जो उसा मल्टीप्लाई किया तो छावनी बच्चों का सा असमान बच्चों को एस इज इक्वल टू द वी आर इनटू द टी वी आर इनटू द टी जाने तो वी आर टी प्लस ए टी अपॉन टू ए असमान सांग लिया t and t पैसा भी आया है साथ में साथ a t square t upon 2 यहाँ s is equal to the v i t plus 1 upon 2 a t square t ये तो आया है second equation of motion s is equal to the v i t plus 1 upon 2 a t square हाँ तो हमारे जी से बोल रहा तो a t square upon 2 हुयो तो हिते सा 1 upon 2 a t square क्या हो जाए यो आसान आसान की है तो आसान वाले आहे पर a t square upon 2 वाता वाले पर है पढ़ा चुका तो ते नंबर अंत लेटर्स है ठीक है नंबर एंड लेटर्स ऐसा कोशिश होता हो तो नंबर के अलग के लेटर्स के अलग रखो तो जो जो ए या है के ए जे अंदर कुछ ना है जे करे मैथमेटिक्स या साइंस में फिजिक्स में सच ना हो जे करे अंदर कुछ ना है तो एक आ है तो मतलब हिते ये समझो तो एक आ है यानी एक जर्ब आ है ए स्क्वायर से तो ऐसा उसमें छपेवा एक वो जाहिर करे जनरल सर्व के रूप में छापो एक तो बार नंबर ए बी स्क्वायर के जनरल सारे तो पूछा नहीं था छापे ना ए सारे यो कुछ बार नंबर मल्टीप्लाई के बाद जवाब छाए तो सारे और समझ लो ए बी स्क्वायर अपॉन टू इन्हें जनरल सर छापे हो ए बी स्क्वायर अपॉन टू ओके वन अपॉन टू ए बी स्क्वायर का शब्द ठीक है